नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। जीतन राम मांझी ने बीते दिनों जो बयान दिया था ब्राह्मण समाज को लेकर, जो अपशब्द कहे थे, इसको लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्म होती नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि गजेंद्र झा, जो कि मधुबनी से हैं और पहले बीजेपी के नेता थे, हालांकि अब उन्हें उस बयान के लिए बर्खास्त कर दिया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जीतन राम मांझी की जुबान को काट कर लाने वाले को 11 लाख का इनाम देंगे वो। और अब इसके बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है और ये कहा गया है कि जीतन राम मांझी के खिलाफ लोगों को भड़काने का बयान दिया गया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ याचिका में जो है, याचिका जो दायर की गई है उसमें कहा गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए देने के संबंध में बयान जारी करने वाले मधुबनी के गजेंद्र झा के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने हेतु आदेश देने के लिए एक जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को दायर की गई है। याचिका शहजादा कमर खान द्वारा अधिवक्ता नबीन अहमद के जरिए दायर की गई है। याचिका के जरिए यह आदेश देने का आग्रह किया गया है कि योजना बनाकर यह सुनिश्चित की जानी चाहिए कि इस प्रकार के बयान को बढ़ावा नहीं मिले। याचिकाकर्ता गया जिले का निवासी है। याचिका के जरिए प्रश्न खड़ा किया गया है कि इस तरह का बयान जारी किए जाने से क्या राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध सीधे हिंसा नहीं फैलेगा और क्या इनके जीवन पर खतरा नहीं होगा। आगे याचिका में कहा गया है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी यह स्पष्ट किया है कि उनका बयान ब्राह्मण के विरोध में नहीं था, ब्राह्मणवाद के विरोध में था। आगे उनका यह भी कहना है कि ये भी दलितों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव का विरोध करते रहेंगे। मांझी राज्य के 25वें मुख्यमंत्री रहे, उनका बड़े पैमाने पर सम्मान किया जाता है और वे बिहार के एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर उभरे हैं। उनके राज्य भर में प्रशंसक और अनुसरण करने वाले हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता जिसने इस याचिका को दायर किया है, उनका यह कहना है कि गजेंद्र झा को जो है अब इस बात का स्पष्टीकरण देना होगा। इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं भड़काने वाले, उस तरह के बयान पर बिहार सरकार जो है रोक लगाए, बढ़ावा ना दे, इस तरह से हिंसा बढ़ेगी। आपको बता दें कि लगातार गजेंद्र झा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ उनको पार्टी से इस बयान के लिए बर्खास्त कर दिया गया है तो दूसरी ओर अब जो है पटना हाईकोर्ट में उनको लेकर याचिका दायर की गई है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हम तक पहुँचाइए और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।